क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्ज़ा क्या करती हूँ? मैं कुछ भी नहीं, बस शोबिज़ में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अच्छा, शोबिज़ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा क्या करती हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या नाम है मैम आपका? सातिया मलिक। क्या नाम है आपका? किंजा फरमान। किंजा क्या करती हो? पढ़ती हूँ। वैसे अगर फेयर बात की जाए तो मेरा आंसर होगा यस। अच्छा, अभी तक आपको लगता है कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंडिया की कॉपी हो हूबहू पाकिस्तान? इंडिया की कॉपी हुई हो हूबहू पाकिस्तान में? जी हाँ, इंडिया की फिल्में कॉपी की जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी की तैसी मार दी जाती है पाकिस्तान में। मेरा गर्ग कर दिया। वो चाइना कॉपी लगती है वो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इंडियन ड्रेसिंग की कॉपी की जाती है, मतलब साड़ियाँ लड़कियाँ पहनने की कोशिश और बनवाने की कोशिश। तो यहाँ पे वेस्टर्न भी नहीं पहनते ना? हाँ, तो वो साड़ी भी उस तरह नहीं पहन पाते, और इंडियन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखने में आती है, लेकिन वो भी लोकली होती है, इंडियन प्रॉपर इंडियन नहीं होती, और ख़ास तौर पर इंडियन टिकटॉकर्स की कॉपी की जाती है। वो गंगूबाई आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हमारे टिकटॉकर्स, वो गंगूबाई को बड़ा कॉपी कर रही हैं, लेकिन वो गंगूबाई भी नहीं बनती, वो कुछ और ही मुँह पर आटा मल मल के, तो गंगूबाई। आपका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कॉपी करते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को कॉपी करते करते उस जैसी डिवेलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह, और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहा। जब तक ये पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे तब तक किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि पीटीआई चली गई, नून लीग आ गई, नून लीग चली गई तो बिलावल भुट्टो आ गया, बिलावल चला गया तो पीपल्स पार्टी आ गई, बस ये फ्यूचर है और कोई फ्यूचर नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तानी इकोनॉमी हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी आवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी, लेकिन यह है कि अब हमें इस चीज़ को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले, तो बेहतर है कि जितनी आपको इज्जत की रोटी मिले कमाएं और खाएं और बस। पाकिस्तान का तो आपने फ्यूचर बता दिया, आपको क्या लगता है अगर इंडिया ऐसा चलता रहा तो इंडिया का क्या फ्यूचर है? इंडिया का फ्यूचर यह है कि बहुत जल्दी तरक्की कर करके चाइना से भी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, और इंडिया बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो इंडिया के फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लेना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर हाँ या ना करते हैं या नहीं करते। हाँ, करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ सका, इंडिया इतना डेवलप क्यों हो गया? मैं बात बताऊँ, इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है, तो हम उनको कॉपी करते हैं, तो वो लाइन वाइज ही आना ना, वो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। तो अगर हम देखते हो ना डायरेक्ट, अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें या चाइना को कॉपी कर लें तो हमें हम फिर हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। हाँ, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर हम इंडिया को भी कॉपी करते हैं, आप देखते हो बांग्लादेश वो हमसे आगे चला गया, इसराइल को देख लो जिसको हम मुल्क नहीं मानते लेकिन वो भी कितना आगे चला गया, इवन कि अब आप देखते हो कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसराइल की तरफ जा रहे हैं मुँह कर रहे हैं, तो मतलब क्या रीजंस है जो कि हर मुल्क तरक्की करे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पहली बात ये है, इनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा एक हर एक को इक्तदार की पड़ी हुई है, लालच है हर एक में, हवस है, इक्तदार की हवस है, लालच है इन लोगों में, तो ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लोग जितना जितनी मेहनत करते हैं और ख़ुद से ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन देखे ना पाकिस्तानी वीज़े की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर भी लोग पाकिस्तानी तो वीज़े के बगैर जा ही नहीं सकते, इंडिया तो है, वीज़े के बगैर कितने मुल्कों में विजिट कर सकते हैं? हाँ, ये नहीं मुझे वैसे पता था, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी लगा लें कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम नहीं कर रही, उस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बना रही, उस तरह के जो डेवलपमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव ले, हाँ इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी हर चीज़ में मतलब हमारी गवर्नमेंट का ही कसूर है। पाकिस्तानी लोग तो बेचारे इतनी मेहनत करके अपना मतलब हर चीज़ अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जितने भी लगा ले देख लें ओवरसीज पाकिस्तानी, अभी इन्होंने क्या किया, उनका वोट बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ होती है कि इनकी सारी गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज है जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त। तो आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझती हो कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, अगर इंडिया इसी तरह ही चलता रहा, उसकी हर चीज़ इसी तरह ही आगे बढ़ती रही, तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या फ्यूचर देखती हो इंडिया का?
इंडिया जाहिर सी बात है वो चाइना को टक्कर दे रहा, तो फ्यूचर में वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, चाइना से भी आगे जा सकता है जहाँ जिस स्पीड के साथ वो ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो उस लिहाज से, अगर जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं स्टेबल होगी, यहाँ पर कोई एक हुक्मरान टिकेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हर लेवल पे वो करता है, कॉपी करता है, फिल्म्स के हवाले से हो गए, कोई कल्चर हो गया। अब जैसे उनका होली त्यौहार है, एलजीएस में होली का त्यौहार मनाया गया है, ठीक है? नहीं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा कि हमारे सॉन्ग्स वो कॉपी कर रहे हैं। अभी इब्रारुल हक का किया उसने रिसेंटली, और इससे पहले बहुत दफ़ा वो हमारे सॉन्ग्स कॉपी कर चुके हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा है, अगर मतलब वो हमें भी कॉपी करता है, ठीक है, अगर उसने हमें कॉपी किया लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री है, आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बन चुका? वाई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे, और हमारे मुल्क में वो पॉलिसीज़ नहीं है, जिसलिए हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिसीज़ कब बनेंगी, अगर ना बनी तो क्या होगा? पॉलिसीज़ तब बनेंगी जब हमारी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी और हम सब लोग एक पेज पे होंगे, और अगर ना बनी तो फिर यही होगा जो भी हो रहा है। हाँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर मुल्क हमसे आगे चला गया है, और ऑब्वियसली फिर हमारे रुपये की जो कदर है वो कम होती जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसे इस टाइम पे भी वो डेवलप कंट्री बन चुका है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा और आगे आने वाले सालों में अगर उसकी पॉलिसीज और बेहतर हो जाती है, तो क्या इंडिया का क्या फ्यूचर देखती हो आप? ऑब्वियसली अगर कोई मुल्क अपनी पॉलिसीज पे और अपने आने वाले वक्त पे जो है वो काम कर रहे, तो वो डिज़र्व करता है कि वो आने वाले वक्तों में एक डेवलप कंट्री बने और तरक्की करे। और ज़ाहिर है अगर वो इसी तरह से तरक्की करते रहे और काम करते रहे, तो आइंदा आने वाले वक्तों में वो सुपर पावर भी बन सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और सवाल आखिरी आपसे ये करना है, आप देखते हो कि कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर, नो डाउट चाइना सुपर पावर है, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कम कर दिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, क्या कहना है आपके इसके बारे में? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और उन्होंने अपना एक इमेज भी ऐसा बिल्ड कर दिया कि वो हर एक को वेलकम करते हैं, और उनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ है ना ऑब्वियसली, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके मुल्क में आके लोग सरमायाकारी करें, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो आके इंडस्ट्रीज़ उनके मुल्क में लगा रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मैं तो बेटा एक ही बात कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में, पहली बात है मैंने अपनी बिज़नेस लाइफ में एक चीज़ देखी है, जब से मैं बिज़नेस कर रही हूँ, जॉब की है मल्टी नेशनल कंपनियों में, जितना मेरा टाइम गुजरा है 20-25 साल से, तो मैंने एक चीज़, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक बंदा काम करता है, दूसरा जेलस हो रहा होता है, तीसरा काम करते है उसका खानदान जेलस हो रहा होता है, ओनली हमारे पाकिस्तान में हसद बहुत ज़्यादा है।